पप्पू तू इतना उदास क्यों हो गया है? हाँ हाँ कुछ नहीं, आज मैं तुम्हारे सामने एक अहम इंकशाफ करने वाला हूँ, बस उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। कैसा इंकशाफ? है एक हकीकत जिसको बताते हुए मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे पा रही है। बस तुम दुआ करो कि मैं आज तुमसे सारी बातें कह पाऊं। और तुम सह पाओ। पप्पू ये क्या हो गया तुझे? अचानक इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है तू? कुछ नहीं, पहले ये जूस खत्म करो फिर करते हैं बातें। अजीब है तू पप्पू, पल में तोला पल में माशा। मस्कराबाजी करने को दिल करता है क्या? ये अमरूद खाते हैं क्या? पर मैं तो खाऊंगी यार। अल्लाह का शुक्र है डैडी जी, बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये बताने के लिए फोन किया था कि आज की फ्लाइट मैंने मिस कर दी है, कल शाम को आ जाऊंगी। जल्दी घर वापस आओ बेटा, हमारा घर तुम्हारे बगैर बहुत सूना सूना लगता है। मुझे भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा डैडी जी। अच्छा सुनिए, जुनैद से कहिएगा कि वो मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाए। मैं कॉल करी हूँ बट वो मेरा फोन नहीं पिकअप कर रहा। अगर वो साहबजादे घर आ गए तो आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। कहाँ गया है वो? आवारा गर्दी करने गया उस दो टके की लड़की के साथ, और आज जिंदगी में पहली बार उसने हमारा फोन भी काट दिया। आने दो घर से, आज हम उसकी अच्छी तरह खबर लेंगे। नहीं डैडी जी, आप उसे कुछ मत कहिएगा, तबीयत खराब है ना उसकी, मैंने पूछा नहीं था तो नाराज हो गया, छोड़ दीजिए। शानजे बेटा, अगर आज उसे हमने छूट दी ना तो वो सर पे चढ़ जाएगा। डैडी जी, जब मैं हूं तो आप क्यों फिक्र करते हैं? आ रही हूं ना कल, खुद ही निमट लूंगी उससे। ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी। ओके, यू टेक केयर डैडी जी, सी यू टुमारो, बाय। खुदा हाफिज। So, gentlemen, let's finalize the deal because I'm leaving tomorrow. अब चल पप्पू, बहुत देर हो गई है। नहीं अभी नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, वो मैंने भी की नहीं। अरे बातें तो गाड़ी में होती रहेंगी ना, तू चल तो सही। नहीं, वो बात इतनी अहम है कि वो गाड़ी में नहीं हो सकती है, ये बात यही करने की और यही सुनने की है। तुम तामा से यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। मैं आज तुम्हें एक हकीकत बताने लगा हूँ, मैं तुम्हें धोखे में रखना नहीं चाहता। पुयू तू कैसी बातें कर रहा है, तू मुझे किस धोखे में रख सकता है? तुम कुछ ना बोलो, मैं जो बताने लगा हूँ सिर्फ सुनो। ठीक है बाबा, तेरा दिल कर रहा है ना आज बोलने का तो तू बोल, मैं तब तक सुनती रहूंगी जब तक तू खुद बस नहीं करेगा। खुशी, मैं
तुम्हारा पप्पू नहीं हो। देख पप्पू, हर चीज में मजाक सही है, पर इस बारे में मुझसे मजाक ना किया कर। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मेरा नाम जुनैद अली शाह है। बचपन में मैं तुमसे नहीं मिला कभी। मैं अमीर ही पैदा हुआ हूं और यही हकीकत है। पर तू तो अम्मा से मिला था ना, तूने कहा भी था कि तू पप्पू है, फिर तू ये मस्खराबाजी क्यों कर रहा है मुझसे पप्पू? मैं पप्पू की परछाई भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी अम्मा से भी नहीं मिला। झूठ बोलती है वो। उसने मुझे तुम्हारे सामने पप्पू बनाकर इसलिए पेश किया ताकि तुम शादी के लिए राजी हो जाओ। खुदा के लिए बोल दे कि तू मजाक कर रहा है, तू मेरा पप्पू है, तू बोल दे तू झूठ कह रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ खुशी, ये हकीकत है। मुझे खुद बाद में पता चली ये सारी बातें। खुशी, मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बीमार बाप का लिहाज कर गया मैं। बस उसके अलावा एक हकीकत और भी है, तो शायद इससे भी ज्यादा भयानक है। मैं जानता हूं तुम वो नहीं सुन पाओगी, इसलिए मैं खुशी मेरी बात सुनो। नहीं। खुशी मेरी बात सुनो। नहीं। खुशी नहीं। बात सुनो। नहीं। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो खुशी मेरी बात सुनो। खुशी मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा, ये हद से मेरे पप्पू का है, तुम तो कोई और हो। अच्छा, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, तुम जा कर रही हो। मर नहीं जा रही हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। छोड़ दो मुझे, मरने दो। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। अच्छा, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा। खुशी, बहुत रात हो रही है, तुम कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी इस वक्त? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो तुम्हारे से भरोसा किया, मैंने तुम लोगों के हाथ पांव धो धो कर खिदमत की, और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। संभालो अपने आप को। इसीलिए सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अगर मैं नहीं बताता, बताओ तुम्हें कौन बताता? बहुत रात हो गई है, ये सारे लोग जमा हो जाएंगे, हमारा तमाशा बनेगा। चलो, हम
हम कल सुबह डिस्कस करेंगे इस बारे में। क्या हो गया था? क्यों उस लड़की का चेहरा उतरा हुआ था और तुम्हारी गर्दन क्यों लटकी हुई? कुछ नहीं डैड, शायद उसका कोई गहरा जख्म खुल गया था, इसलिए आप इसे बाहर हो गई थी। मतलब? रहने दें, अब उसकी इतनी हैसियत कहाँ है कि हम उसकी तकलीफ को यहां डिस्कस करें। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप अब तक जाग रहे हैं। सिर्फ जागना नहीं पड़ रहा, हमारे सीने में आग लगाई है तुमने हमारा फोन काट कर। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो या ना हो, लेकिन हमें इस शहर में रुस्वा मत करो। दुनिया जानती है कि तुम दाऊद अली शाह के बेटे हो और तुम उस दो टके की थर्ड क्लास लड़की के साथ होटल में डिनर कर रहे हो, जिसे ना उठने बैठने की तमीज है और ना बात करने का ढंग। वो थर्ड क्लास लड़की अब आपकी बहू भी है डैड। बहू है, लेकिन किस तरह की और किस मकसद के लिए बहू है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मखमल में टाट का पैबंद लगाना हमारी मजबूरी है, लेकिन उस पैबंद की नुमाइश करना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर शानजे बहू ने आज तुम्हारी सिफारिश ना की होती ना, तो आज हम तुम्हारी और उस लड़की की ऐसी खबर लेते कि सारी जिंदगी याद रखते तुम। जिसके एहसानों का इतना बड़ा बोझ हमारे सरों पर है, उसकी सिफारिश को आप कैसे टाल सकते हैं? क्या बकरेगा तुम डैड? आखिर कब तक अपनी जिंदगी हम शानजे के गुलाम बनकर गुजारें? हमारी अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच, अपने फैसले नहीं है क्या? आप सबको जो भी हुक्म देते हैं वो शानजे की शय पर देते हैं, सब जानते हैं ये, और वो खुद पीछे छुप जाती है। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। ये जिन आसाइशों में तुम लोग जिंदगी गुजार रहे हो ना, वो सब शानजे बहू की बदौलत है। क्या था तुम्हारे बाप के पास? क्या था? सिर्फ जमीन के चंद टुकड़े। शानजे का बाप, हमारा बड़ा भाई, इस सारे जाहो जलाल का वारिस था। फिर जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो उसने विरासत में मिलने वाली सारी जायदाद और शानजे की जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दी। शानजे बहू की दौलत की बदौलत ही तुम लोगों की तालीम हार्वर्ड में मुकम्मल। उसके बाद हमने शानजे से पूछे बगैर तुम्हारी शादी उससे कर दी।
और उसने हमारे फैसले के सामने उफ तक नहीं किया। अगर शानजे बहू ना होती ना, आज तुम लोग भी जमींदार के आवारा लड़कों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते। कम से कम अपनी मर्जी की जिंदगी तो गुजार रहे होते। आज हम किसी की दी हुई आसाइशों में जिंदा तो है, लेकिन है तो उसी के गुलाम। बंद करो अपनी बकवास। सारी जिंदगी उसके टुकड़ों पर पलने के बाद अब तुम्हें इतनी चर्बी चढ़ गई कि हजम नहीं हो रही। शानजे हमारे भाई की बेटी है, तुम लोग उसके एहसानों को मानो या ना मानो, हम उसके एहसानों को कभी नहीं भूल सकते। इस घर में उसका हुक्म चलता है और चलता रहेगा। जा। जाओ यहां से, वरना आज हम तुम्हारी हड्डी बस्ती एक कर देंगे। जाओ। सो जाओ, बहुत रात हो गई है। देखो, ये सारी बातें बताकर मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। हकीकत से आगाह करना था जिसे तुम बेखबर हो। अब जो हुआ सो हुआ, इस तरह रोकर या खुद को तकलीफ देकर कोई फायदा नहीं हासिल होगा। इसलिए प्लीज, रात बहुत हो गई, सो जाओ। जुनैद, जुनैद बेटा, अभी तक बड़े सो रहे हो, दिन निकल आया है, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? अरे जाना है मैं। तो फिर उठो, तुम्हारे डैड दो बार तुम्हें पूछ चुके हैं। कल रात बहुत लेट सोया था, फजर के बाद। खुशी कहाँ है? पता नहीं, यही कहीं की बाहर। बाहर तो नहीं है, मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। मैं समझी तुम्हारे पास होगी, वो तो यहाँ भी नहीं है। अरे जरा सही तरह देख ले जाके, घर में ही कहीं होगी। अच्छा मैं देखती हूँ, तुम तैयार होके नाश्ते के लिए आ जाओ जल्दी से। आओ शाबाश। जुनैद बेटा उठो, बहू कहीं नहीं है। क्या कह रही है मियां? घर में ही गई होगी आप, देखें। पहले सारा घर छान मारा, मैं बाहर गार्डन में भी देखा हूँ, नहीं है वो। अरे वो शानजे के रूम में होगी, वो बेबी को डाइट वगैरह दे रही होगी उसके। वहां तो मैंने सबसे पहले देखा था, और शानजे के बेबी को डाइट तो मैंने सुबह दी है। ओह माय गॉड, उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, वो कहीं किसी कोने में तो नहीं सो गई? आई है मेरे साथ। बेटा चलो देखो, ये
ये हम क्या सुन रहे हैं? वो लड़की कहां चली गई है? पता नहीं शाहजी। कैसे नहीं पता? तुम लोग घर में जग मारते हो क्या? मैं समझी थी कि वो जुनैद के कमरे में है, फिर सारे घर में ढूंढ लिया, वो नहीं मिली। उस लड़की को किसी ने कुछ कहा है? नहीं शाहजी, उससे भला कोई क्या कहेगा? इस बात का जवाब जुनैद देगा। मैं क्या जवाब दूंगा डैड? मैं अभी भी उठा हूं। हमें बताओ कि उस लड़की को तुमने कहां बिछवाया? ये कैसी बात कर रहे हैं शाहजी? वो इसकी बीवी है, ये भला बीवी को कहां भेजेगा? तुम इसे नहीं जानती, इसके दिल में जितने भेद हैं हम जानते हैं या ये खुद जानता है? हमें बताओ वरना आज हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। अगर आपको एतबार नहीं है तो कर दें हड्डी पसली एक। नहीं शाहजी। चुप रहो तुम, चुप करो, ड्रामा कर रहा है ये। रात भर उस लड़की के साथ होटल में घूमता रहा, डिनर करता रहा, दौलत लुटाता रहा, और अब इसे पता नहीं है कि वो लड़की कहां है? हमने उस लड़की को तुम्हारी दुल्हन बनाया, उसे अपने गले का हार मत बनाओ। उसको बाहर का रास्ता तुमने दिखाया, अब तुम ही उसे इस घर में वापस लेकर आओगे। बताओ हमें वो लड़की कहां है? हमें बताओ कि वो लड़की कहां है? मुझे नहीं पता शाहजी। कोई जरूरत नहीं इसके साथ हमदर्दी करने की। अगर इसके साथ हमदर्दी की तो हम तुम्हारा भी लिहाज नहीं करेंगे। उस लड़की को ना जमीन निकल गई है और ना आसमान खा गया। उस लड़की को इस घर में तुम ही वापस लाओगे। मैंने उससे एक बात कही थी, शायद वो उस बात से हर्ट हो गई है। ऐसा क्या कहा था तुमने? तुम लोग जाओ, हम इससे खुद बात करेंगे।
कहीं तुमने उसे असलियत तो नहीं बता दी? नहीं। मैंने सिर्फ उसे ये बताया था कि मैं पप्पू नहीं हूं। पप्पू बचपन में उसे किसी पप्पू नामी लड़के से मोहब्बत हो गई थी। उसकी माँ ने उसकी शादी उसे यही कहकर कराई थी कि मैं उसका पप्पू हूं। लेकिन कल रात मैंने मैंने असलियत बता दी उसे। जुनैद, जब उसके मां बाप को उसकी फिक्र नहीं है, तुम्हें हमदर्दी जताने की क्या जरूरत है? अगर वो लड़की हमें नहीं मिली ना जुनैद, तो याद रखना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। छड़ी उठाओ।